नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। उत्तर प्रदेश में एक बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी चल रही है। जी हां, आप जानते हैं देश में जब जब छात्र आंदोलन हुआ है तो उसने देश और राज्य की राजनीति को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया ही है, और इस बार फिर लग रहा है उत्तर प्रदेश एक बड़े छात्र आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का अलाहाबाद यूनिवर्सिटी नामी यूनिवर्सिटी है, हमेशा चर्चा में रहता है। अच्छे छात्र भी पास आउट होते हैं लेकिन उसकी राजनीति की वजह से ज्यादा चर्चा में रहती है। हाल फिलहाल में अखिलेश यादव को भी छात्र जो वहां पे प्रोग्राम था उसे जाने से रोका गया था, उसके बाद हंगामा हो गया था, और उसके बाद रोहित शुक्ल की हत्या, आपको एक छात्र नेता रोहित शुक्ल उनको कैंपस में हॉस्टल परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और इसके बाद अलाहाबाद हाईकोर्ट इसे संज्ञान में लेता है, प्रशासन को वो तलब करता है, विश्वविद्यालय प्रशासन को तलब करता है, उसके बाद प्रॉक्टर पहुंचते हैं और वहां पर कोर्ट सीधे लफ्जों में कहता है कैंपस परिसर कैसे शांत होगा, कैसे वहां का माहौल सुधरेगा। उसके बाद प्रॉक्टर दो दो शर्त रखते हैं कि बताते हैं कि देखिए दो तरीके से आपको चुनाव कराए जाते हैं, एक होता है एक प्रत्यक्ष चुनाव, एक अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में आप छात्र संघ चुना जाता है और अप्रत्यक्ष चुनाव में छात्र परिषद चुना जाता है। आपको आगे बताएंगे कि आपको उन दोनों में अंतर क्या है। पहले बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है। बड़े बड़े नेता, युवा तुर्क चंद्रशेखर, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए। गुलजारीलाल नंदा राष्ट्रपति, बड़े बड़े कद्दावर नाम, बड़े बड़े राज्य की राजनीति के नाम आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दे चुका है। और उसके बाद आप जान रहे हैं लगातार आपको चर्चा में रहा, उसके बाद जो राजीव शुक्ल की हत्या हुई उसके बाद फिर से मामला उठ गया है कि आपको छात्र परिषद बनाया जाए, क्योंकि यह मामला 2011 में भी आया था कि इसे छात्र परिषद बना दिया, छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त भी छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा था और उसके बाद फिर से छात्र संघ चुनाव कराए गए थे। आपको बता दें 2005 से 2011 के बीच में कोई भी चुनाव यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था, क्योंकि 2005 में भी एक छात्र नेता की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद फिर चुनाव हुए 2012-13 में, फिर लगातार चुनाव हो रहे थे। लेकिन फिर इस बार रोहित शुक्ल की हत्या है, वो फिर से आपको उसी रास्ते पर ले आया है, उसी दोराहे पर ले आया है, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तय होना है कि वो छात्र संघ चुनाव होगा या छात्र परिषद का चुनाव होगा। आपको बता दें 29 तारीख को मीटिंग होने वाली है और उसी में यह चीज तय होगी, और इसके खिलाफ जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया है, जितने भी पार्टी है उन्होंने हल्ला बोल दिया है, और सीधा विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय कुलपति पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो जितने समर्थक, क्योंकि राज्य और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बार बार आरोप लगाता है कुलपति पर कि वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने सीधा कह दिया है उन्हें जो बड़ा आंदोलन हो सकता है जो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र से उसके जिम्मेदार सीधे सीधे कुलपति होगा, उनका निर्णय होगा। आपको बता दें दोनों में अंतर क्या है। पहले वो छात्र संघ का चुनाव होता है, उसमें जो जितने छात्र होते हैं वो एक साथ आपको चुनाव जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होते हैं, उसके लिए डायरेक्टली वोट करते हैं। लेकिन जो छात्र परिषद होता है उसमें क्लासरूम बाय क्लासरूम वो लोग अपना एक लीडर चुनते हैं और वो लीडर जाके वोट करते हैं किसे आपको प्रेसिडेंट चुनना है, किसे वाइस प्रेसिडेंट चुनना है। तो ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो उसको आपको बता दें जो ऋचा सिंह है, जो पूर्व आपको अध्यक्ष रह चुकी है आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, वो कह रहे हैं ये सीधे तरीके से जो संविधान में हक है आपको 1901 का, कि जिसमें आपको यूनियन बनाने के हमें अधिकार है, उसके खिलाफ जाता है। और उनका यह कहना है अगर कोई अपराधी तत्व है और उसे आप पकड़ नहीं पा रहे और क्राइम नहीं रोक पा रहे, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। और उन्होंने सीधा आरोप भी लगा दिया कि यूनिवर्सिटी के जितने शिक्षक हैं, कुलपति हैं, वो ही ऐसे अराजक तत्व को अपने संरक्षण देते हैं ताकि वो जो उनके पकड़ बनी रहे राजनीति में और उनकी जो छात्र राजनीति में उनकी दखल बनी रहे। और उन्होंने यह भी कहा कि सीधे तरीके से उन्होंने कहा जो दलित है, महिलाएं हैं, जो आम घर के लोग हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए यह रास्ता बंद करने की बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ही तो पहला स्कूल है जो जहां से छात्र राजनीति सीखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब डॉक्टर्स यूनियन बना सकते हैं, टीचर्स यूनियन बना सकते हैं, तो छात्र यूनियन क्यों नहीं बना सकते, उनके खिलाफ क्यों। और उन्होंने यह भी कहा कि जो अभी हाल फिलहाल आगरा में जो बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, तो क्या वहां पर जो लॉयर्स की बार काउंसिल है उसको रद्द किया गया, उसे खत्म किया गया, तो फिर यहां पर यह क्यों किया जा रहा है। वैसे ही और भी जितने प्रेसिडेंट है, पूर्व प्रेसिडेंट है आपको रोहित मिश्रा, उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी जो कुलपति है वही अराजक तत्व को संरक्षण दे रहे हैं और वो जानबूझकर ऐसा कदम उठाना चाह रहे हैं जो छात्रों को, जो यूनिवर्सिटी का जो हमारा बहुत पुराना इतिहास है, 96 वर्ष पुराना इतिहास है, उसे वो खत्म कर सके। और एक तरीके से सीधे तौर पर जो जितनी भी गैर आपको भाजपा पार्टियां हैं उस पर एक तरीके से वो रोक लगा दे, और एक तरीके से जो बीजेपी के जो जितने समर्थक छात्र हैं वही आपको बड़े ओहदे पर पहुंचे। वही रमेश यादव ने भी कहा, जो छात्र नेता है वहां पर, उनका सीधा कहना था कि
जब से केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार आई है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी राज्य की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे मुखर होकर सबसे आंदोलन किया है, बाकी यूनिवर्सिटी ऐसा काम नहीं कर पाई है। तो देखना होगा, क्योंकि छात्र आंदोलन और देश की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है, महात्मा गांधी से लेकर देश की आजादी तक। देश की आजादी के बाद तेलंगाना वगैरह की बात कर ले तो बड़ा बड़ा आपको छात्र आंदोलन हुआ है। जयप्रकाश मूवमेंट की बात कर ले तो हर जगह आपको छात्र और छात्राओं ने बड़ा रोल निभाया है। तो देखना होगा जो 29 तारीख है, जो 29 जून है, उस दिन क्या फैसला आता है और उस दिन उसके बाद की जो राज्य में आपको जो छात्र राजनीति है और जो राज्य की राजनीति है उसकी भी दिशा और दशा तय करेगी ये फैसला कि वहां पर क्या, क्योंकि छात्र रुकने वाले नहीं है, क्योंकि बाकी सब छात्र आगे आ चुके हैं और आंदोलन की सीधे धमकी दे चुके हैं। तो देखना होगा कि आगे अब उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होता है। लगातार इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब करें।